सुंदरपुर जंगल में कई दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में कैद थे। बारिश की वजह से कोई भी पक्षी बाहर नहीं जा सकता था। उसी जंगल में मोंटू नाम का एक चूहा अपने बेटे पिंटू के साथ रहता था। तेज बारिश की वजह से मोंटू के घर में खाना खत्म हो गया था। बेटा पिंटू, हमारे पास आज तक चले उतना ही खाना बचा हुआ है। अरे तो पिताजी, आज अनाज खत्म हो जाएगा तो हम लोग कल क्या खाएंगे? हमारा क्या होगा? टेंशन मत लो बेटा, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा। ऐसा बोलकर दोनों बाप बेटे बचा हुआ अनाज खाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद आराम से सो जाते हैं। वहीं सुबह हो जाती है, लेकिन अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी। मोंटू आज सुबह जल्दी जाग जाता है और सोचने लगता है, अरे बारिश तो आज रुकेगी ही नहीं लगता है। मुझे अनाज ढूंढने ऐसे में ही बाहर जाना होगा। पिंटू सो रहा है, वो जाग जाए उससे पहले मुझे अनाज ढूंढ के वापस आना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मोंटू अनाज ढूंढने घर से बाहर आ जाता है और जंगल की ओर जाने लगता है। खाना ढूंढते ढूंढते वो जंगल में बहुत दूर तक आ जाता है, लेकिन फिर भी बारिश की वजह से उसे कुछ नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर रानू अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। माँ, ये बारिश कब तक रुकेगी? हमें बाहर खेलने भी तो जाना है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो सोचना भी मत। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। थोड़े दिनों में ये बारिश रुक जाएगी, फिर तुम आराम से बाहर खेलना, समझे? ऐसा बोल के रानू बाहर देखने आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि एक चूहा बाहर घूम रहा होता है, और ऐसा देखकर वो उस चूहे के पास आकर पूछती है, अरे तुम इतनी तेज बारिश में इधर क्या कर रहे हो? अरे मेरे पास अनाज खत्म हो गया है ना, मेरा बेटा और मैं भूख से बेहाल हैं, तो मुझे अनाज ढूंढ के जल्दी से घर वापस जाना होगा। वो घर पर अकेला है ना, इसलिए। ऐसा सुनकर रानू को उस चूहे पर दया आ जाती है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैंने ना पहले से ही बारिश के लिए अनाज इकट्ठा करके रखा था। रुको, मैं तुम्हें थोड़े दिन के लिए अनाज दे सकती हूँ। क्या? लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ऐसा बोलकर रानू जल्दी से घर के अंदर आ जाती है और अनाज लेकर वापस मोंटू के पास आ जाती है। ऐसा देखकर मोंटू बहुत खुश हो जाता है। अरे तुम तो कितनी अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद मोंटू अनाज लेकर जल्दी से अपने घर की ओर निकल जाता है। वहीं रानू भी अपने घर की ओर आ जाती है। ऐसे ही दो तीन दिन बीत जाते हैं, बारिश भी रुक जाती है और फिर से जंगल में सभी पशु पक्षी अपने अपने काम में लग जाती हैं। एक दिन की बात है, सभी पक्षी खाना ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत दूर तक आ गए थे। इतने में जब वो अनाज खा रहे थे कि कालू कौवे को कुछ दिखाई पड़ता है। अरे देखो देखो दोस्तों, अरे लग रहा है ये शिकारी पंछी इधर ही आ रहे हैं, भागो। हाँ कालू भैया, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो इधर ही आ रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम लोग, अरे जल्दी जल्दी भागो। मीनू मौसी और सभी पक्षी ऐसा बोल ही रहे थे कि इतने में शिकारी पंछियों की उन पर नजर पड़ जाती है और वो और भी तेजी से हमला करने के लिए उनकी ओर आने लगते हैं। ये देखकर सभी पक्षी वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते जंगल में वो बहुत दूर तक आ जाते हैं। दूसरी ओर मोंटू अपने घर के बाहर बड़े आराम से खाना खा रहा था कि इतने में उसकी नजर रानू पर पड़ती है।
रानू बड़ी जल्दी में जंगल की ओर जा रही थी कि इतने में मोंटू जोर से चिल्लाने लगता है। अरे रानू, ओ रानू, अरे किधर जा रही हो तुम अपने दोस्तों के साथ? रानू आवाज सुन के आसपास देखने लगती है और तभी वो नीचे देखती है तो उसे मोंटू दिखाई पड़ता है। रानू और सभी पक्षी मोंटू के पास आते हैं। अरे क्या बताएं मोंटू भैया, हमारे पीछे शिकारी पंछी पड़ गए हैं। हम सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। तुम भी यहाँ से हटो और जल्दी अपने बिल में जाओ। अरे बस इतनी सी बात, सुनो तुम लोग जल्दी से मेरे बिल में आ जाओ। मेरे पास तुम लोगों को बचाने के लिए एक युक्ति है। ऐसा बोलकर मोंटू सभी पक्षी को अपने घर में ले आता है। थोड़ी देर में ढूंढते ढूंढते वो दुष्ट शिकारी पंछी वहाँ पर आ जाती है। अरे यार, इतनी देर में ये सभी पंछी यहाँ से गायब कहाँ हो गए? अभी तो यहीं पे थे। हाँ यार, सही कह रहे हो तुम, यहाँ तो छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं है। आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ? ऐसा भूल के दोनों आसपास देखने लगते हैं। तभी चील की नजर एक घर पर पड़ती है। अरे वो देखो, वहाँ पर एक घर है। मुझे लगता है सभी लोग वहाँ छुपे होंगे। ठीक कह रहे हो तुम यार, चलो। तो देर किस बात की, अंदर जाके सबको बाहर खींच के लाते हैं। चलो। ऐसा बोलकर दोनों जबरदस्ती मोंटू के घर में घुस जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मोंटू अंदर बैठा हुआ था। अबे चूहे, वो सभी पंछी कहाँ गए? जल्दी बता वरना तेरी खैर नहीं, बोल। अरे मुझे क्या पता, यहाँ तो कोई नहीं आया, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। आप किन पंछियों की बात कर रहे हैं? अबे ज्यादा मत बोल वरना तेरी शान पत्ती अभी निकाल दूंगा, समझा? ऐसा बोल के दोनों घर की तलाशी लेने लगते हैं। पूरा घर देख लेते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। अरे यार ये तो ठीक कह रहा है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है वो लोग यहाँ पर आए ही नहीं है। जरूर से वो लोग जंगल में ही छुपे होंगे, हमें उन्हें ढूंढने वहीं जाना चाहिए। सही कह रहे हो तुम, मुझे भी यही लग रहा है। तो चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, वरना वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। चल बच्चू, अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, आज के लिए तो तू बच गया, लेकिन अगर कहीं वो लोग यहाँ मिल जाते तो मोर मोर कर तेरा कीमा बना डालता मैं, समझा? ऐसा बोलकर दोनों मोंटू के घर से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों जंगल में दूर चले जाते हैं तो मोंटू तुरंत खुर्शी हटा देता है। दरअसल मोंटू ने बड़ी चालाकी से सभी पंछियों और अपने बच्चे को अपने घर के बनाए हुए खुफिया कमरे में छिपा दिया था। सभी पंछी वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही शिकारी पंछी बाहर आते हैं तो मोंटू सभी को बाहर बुला लेता है और बड़ी चालाकी से सभी को बचा लेता है। मोंटू भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम बता नहीं सकते आज तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। हम तुम्हारा ये एहसान वाकई कभी नहीं भूलेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, इसमें एहसान कैसा? मैंने कोई एहसान वहसान नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हारी छोटी सी मदद की है, बस। इसके बाद सभी पंछी मोंटू का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और धन्यवाद करके वापस अपने घर की ओर आने लगते हैं। और इस तरह सुंदरपुर में खुशियाँ वापस से लौट आती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी और मोंटू की चतुराई? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे